तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, आर यू सीरियस अबाउट योर एनडीए एग्जाम? अगर आपको अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप सीरियस हैं तो आप एनडीए की तैयारी में आज से ही लग जाएंगे, और अगर आप सीरियस नहीं हैं तो ये तैयारी आप आज ही छोड़ देंगे। वो मिथ, वो झूठ जो आपने सब पाल रखे थे एनडीए को लेकर, वो सब आज टूट जाएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन कुमार और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एपेक्स स्टडी हब में। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट की यही हालत होती है, उनको लगता है कि अगर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है तो उनकी ज़्यादातर चीज़ें पूरी हो गई हैं, सब उन्होंने अचीव कर लिया है। पर यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये फॉर्म फिलअप करा ही क्यों। कि आपने इसलिए कर दिया कि मेरे दोस्त ने करा था तो मैं जाके फॉर्म फिल कर देता हूँ, क्या मेरे रिश्तेदार ने कहा तो मैं जाके फॉर्म फिल कर देता हूँ, या घर पे बैठे थे किसी ने आकर कहा कि बेटा कुछ नहीं कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी ही कर लो, जाके फॉर्म कर दो, तो मुझे एनडीए का मिला, मैंने एनडीए का कर दिया। तो अगर ऐसा आपने किया है तो आप सीरियस नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट खुद नहीं था, वो किसी और के वजह से हुआ, किसी के दबाव में थे आप या किसी के सजेशन पर थे। और अगर आपने ये फॉर्म इसलिए फिल कराया क्योंकि आपके अंदर वो आग है वर्दी के लिए, वो आग है उस कैप के लिए, वो आग है वो कंधों पर स्टार के लिए, वो आग है कुछ करने के लिए अपने देश के लिए, तब जाकर आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। बाद में कुछ होता है देखेंगे, पर क्या ये आग आपके अंदर थी? क्या आप इस आग को पूरा करने के लिए चल पड़े हैं? क्या आपने वो सारी चीज़ें निकाल ली हैं जिससे आप ये कर सकते हैं? क्या आपने खुद से जाकर एक बार भी देखा है कि ये सिलेबस कैसा है, कितना सिलेबस है, किस लेवल का पेपर आता है, क्या चीज़ें उसके अंदर पूछी जाती हैं, कितने पेपर होते हैं, इवन कितने टाइम का पेपर होता है? और अगर आपने ये खुद से जाके कुछ नहीं खोजा है और आप अभी भी कुछ वीडियोज़ या उनके सहारे हैं, तो आप बहुत ही बड़े धोखे में हैं। क्योंकि जब तक आप अपने एफर्ट नहीं लगाते हैं, आपको लगता है कि मुझे आकर कोई बता दे, आप इस इंतज़ार में बैठे हैं, तो आपको कुछ भला नहीं होने वाला है। हाँ, इवन आपको यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोज़ मिल जाते हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट तो खुद करना है। आपको 10 वीडियो मिल जाएंगी मोटिवेशन की, 10 तरीके से पढ़ाई की वीडियो मिल जाएंगी, क्या टाइम टेबल होना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मैं ही बनाता हूँ, पर इन लास्ट वो सारी स्ट्रेटेजी खराब हो जाती है अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि आपको ये सारी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है वो एक हम बता देते हैं कॉमन जो कर सकते हैं, पर आपके इंटरेस्ट अलग हैं, आपकी कैपेबिलिटी अलग है, आपकी एबिलिटी अलग है, आपकी अप्रोच अलग है, आपका IQ अलग है, आपके पास सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी डिज़ाइन करनी है। और ये चीज़ें अगर आपने नहीं करी और इतने टाइम के बाद, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए भी लगभग एक महीना होने जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए थे, और उसके बाद भी आप अगर बैठे हुए हैं खाली, तो आप उसके लिए सीरियस नहीं हैं। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, इवन कुछ बच्चे तो इतने भी सीरियस होंगे मुझे लगता है कि उन्होंने पता था कि उनको एनडीए की तैयारी करना है, तो वो ये तैयारी एप्लीकेशन फॉर्म का इंतजार करके नहीं, उससे पहले से कर रहे होंगे। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें खुद करी हैं, खुद से जाकर खोजा है कि सिलेबस क्या है, कभी एक पेज पर नोट डाउन करा है कि मैंने कितना है, अभी स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखा है, उसने लिखा है, लिख लिया है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में रखा है, अरे लगेगा कि चलो पढ़ लेंगे कभी भी, यार रखा पड़ा है मेरे फ़ोन में। क्या खुद से एफर्ट लगाकर मैंने एक पेज पर लिखा है? क्या एक बुक लाकर मैंने पढ़ना शुरू करा है? क्या वो रिसोर्सेज मैंने सब इकट्ठे करने की कोशिश करी है जो मुझे चाहिए? और इन सब करने के बाद क्या मैंने कभी पेज पलटा भी है? और अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी का, अपनी किताब का एक पन्ना भी नहीं पलटा है एनडीए के नाम पर, तो आप समझ लीजिए कि आप उस बच्चे में से हैं जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि जिसको ये लग रहा है कि मैं 2 महीने पहले तैयारी करूँगा, एनडीए क्वालिफाई कर लूँगा, तो ये मेंटेलिटी उसकी 2 महीने पहले भी होगी, वो 2 महीने के जब उसके 60वां दिन होगा, वो उस दिन जाएगा, उस दिन भी उसको लगेगा कि चल भाई कल पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वो अभी तक 1 महीने या 2 महीने से यही करता आया है, वो अपने आप को टालता आया है, वो अपने आप को इन चीज़ों से बचता हुआ आया है कि चलो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। उनसे आपको बचना है, उन चीज़ों से आपको बचना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको अंदर वो आग जलनी चाहिए कि आपको वो वर्दी चाहिए, और इस आग को बुझाने का तरीका सिर्फ ये है कि आपकी आग ये तभी बुझेगी जब आप एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। और एनडीए का एग्ज़ाम आप तब क्वालिफाई करेंगे जब जाकर आपने सारा सिलेबस खुद से लिखा है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने 10 वीडियो देख ली, सिलेबस पता चल गया, मेरा काम हो गया। अरे एक बार खुद से लिख कर तो देखो, एक बार वो किताब उठाओ तो, वो पहला चैप्टर शुरू तो करो। क्या पहला चैप्टर शुरू करते ही आपके अंदर वो आग नहीं आ रही है, वो किक नहीं मिल रही है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, बैठे पड़े हैं केवल, बोरियत हो रही है कि यार ऐसा लग रहा है कि मेरे को किसी ने आके बोल दिया है, कि दबाव जैसा लग रहा है, तो समझ लो सीरियस नहीं हो। और अगर इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा है और आप अपने आप को टाल नहीं रहे हो, बच नहीं रहे हो,
इवन आपके आपके पास जो डिस्ट्रैक्शन है, आपका मोबाइल फ़ोन जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है, और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम जितना टाइम उसमें दे देते हैं उससे कोई भी स्किल ऐड नहीं होती है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपने जितनी भी वीडियोज़ देख ली हैं फालतू की, जो रील्स आप स्क्रॉल करे जा रहे हैं, दिन में 500 600 रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, फालतू के फनी एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, अरे उनको तो पैसा आ रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम्हारा वो टाइम जा रहा है तुम्हारा जिस टाइम पर आपकी लाइफ बनती है, जिस टाइम पर आपके जो फ्यूचर डिसाइड होता है, आपके अंदर स्किल ऐड होती हैं, अब वो टाइम अपना, अपनी एज का वो टाइम जो गोल्डन टाइम है, वो आप निकाल रहे हैं किसमें? रील्स को स्क्रॉल करने में। अरे वो बंदे तो इसलिए कर रहे हैं, उनको पैसा आ रहा है। तुम अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम चाहे एनडीए को तो मैं छोड़ ही देता हूँ, अरे किसी भी तैयारी कर रहे हो, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो अपना, कोई भी अलग चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। बाकी चीज़ें कुछ देर के लिए टाइम पास हो सकती हैं, पर पूरा टाइम उसी में पास नहीं कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने का क्या तरीका हो सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरह की या तो फिर ऐप ना रखें अगर आपके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ऐप को रखें ना। अगर आपको उसके ऊपर इतना कंट्रोल है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप कोशिश करें कि आप दिन में कुछ घंटों के लिए अपने फ़ोन से बिल्कुल ही दूर रहना शुरू कर दें, केवल किताबों से पढ़ें, ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस भी ना लें, क्योंकि ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस लेने के चक्कर में आपके पास मोबाइल फ़ोन हमेशा हाथ में रहेगा, आप फिर भी उसके एडिक्ट बने रहेंगे। तो आपको सारी चीज़ें उस पर नहीं करनी है, 3 घंटे की क्लास ले ली बहुत हो गई, 4 घंटे की क्लास ले ली चलो आपने सभी सब्जेक्ट की, उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ की प्रैक्टिस खुद से करनी है, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि देखो आपको लग रहा है कि सब सिर्फ ऑनलाइन क्लास या सिर्फ यूट्यूब की वीडियोज़ से मैं निकाल दूंगा, वो वीडियोस, वो सब चीज़ें एक बार को लास्ट में मैंने खुद बताया आपको, ये सब रखी रह जाएंगी जब तक आप खुद ही कुछ नहीं करेंगे। आपने 10 वीडियो देख ली पर अगर 10 क्वेश्चन नहीं करें ना, तो वो 10 वीडियो बेकार हैं आपकी। तो आपको करोगे कैसे, एक वीडियो देख ली लेकिन 50 क्वेश्चन आपको खुद लगाने हैं मैथ के जाकर, आपको एक वीडियो साइंस की देख ली जाकर आपको याद तो खुद करना है, सोशल की देख ली खुद करना है जाकर, आप सिर्फ वीडियो देखने में टाइम बिता रहे हैं, तो आप शायद वीडियो का नंबर बढ़ा रहे हैं पर आप क्वालिटी नहीं बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो आप कर क्या रहे हैं, आपका टाइम किस में ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, किन चीज़ों में फालतू टाइम जा रहा है, क्या आप अभी भी अपने आप को टाल रहे हो कि चल भाई कल से शुरू करूँगा, भाई परसों से शुरू करूँगा? और इवन अगर आप अभी तक ऐसा करता आ रहे हैं तो पक्का आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद इसके लायक नहीं हैं या आप इसके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि आपको अगर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप इसके लिए नहीं हैं, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आपको ऊपर से एक चीज़ और भी लगेगी, क्योंकि आप जब एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो 10 लोग आपको और बोलने आएंगे कि भाई ये तो इसकी तैयारी कर रहा था, तो फिर आपको वो भी बुरा लगेगा। तो आप भरो नहीं या फिर सीरियसली इसके लिए तैयारी करो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो एक टाइम टेबल खुद से डिसाइड करना है। दूसरों की वीडियो देख के आपने एक मन तो बना लिया, पता तो चल गया कि भाई चलो ये ऐसा करता है, आप क्या करिए, आपने 10 वीडियो देख ली, 10 मोटिवेशन की वीडियो देख ली, मोटिवेशन मिल गया, भरे पड़े मोटिवेशन से, पर ये लगेगा कब, कहाँ लगेगा? इसी तरीके से आपने टाइम टेबल स्ट्रेटेजी इसकी उसकी सबकी वीडियो देख रखी है, आपको एक आइडिया तो मिल गया कि हाँ इसके लिए इतना टाइम देते हैं, इसके लिए ऐसा करते हैं, तब जाकर ये चीज़ हो जाती है। पर आपको अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करके अपने में ढालकर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है वो देखना है, क्योंकि अगर आपने लिख रखा है, चलो देख लिया टाइम टेबल 10 लोगों का, पर आपने अभी तक अपने पे अप्लाई नहीं करा है, पता है कि अरे अच्छा ऐसा वाला करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो इतना हो जाएगा, उसने कर लिया हम भी कर लेंगे, अरे तुम उससे भी अच्छा कर सकते हो, पर इम्प्लीमेंट करोगे उस दिन? और जिस दिन इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप 4 महीनों में भी वो नहीं कर पाओगे जो उसने 2 महीने में कर लिया, क्योंकि वो 2 महीने जो बताता है ना, वो उसके 1 महीने 2 महीने ना, वो इतने डेडिकेशन वाले होते हैं कि शायद उसने किसी और चीज़ डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ होता। इवन मैंने जब अपने 2 महीने तैयारी करी थी, मेरे पास तो कोई फ़ोन का यूज़ भी नहीं करा था। तो आप उसको ध्यान रखें, आप 8 से 10 घंटे अगर दे रहे हैं तो सीरियसली होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन में लेक्चर देख रहे हैं वहीं आप मिनिमाइज़ करके आप कुछ और चलाने लगे, रील्स स्क्रॉल करने लगे। क्या होता है इस टाइम पर कि हम स्मार्टफोन हमारे हाथ में होता है, ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं और मन कर रहा होता है कि चलो यार अभी लेक्चर खत्म होता है 5 मिनट और 2 मिनट और फिर जाऊंगा, इसके बाद इसको रील्स देखूंगा, उसकी रील्स देखूंगा, ये वीडियो देखूंगा यूट्यूब पर। तो ये डिस्ट्रैक्शन आपके ख़त्म होने चाहिए। तो हो सके तो उन ऐप को अनइंस्टॉल कर दो या आप अपने आप को ऐसा बना लो कि उस पर डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो बनने जा रहे हैं, वो हैं आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर। और आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर क्या, अगर आर्मी का आप एक जवान भी ले लोगे ना, तो वो इतना ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होता है, उसको कुछ और दिखाई नहीं देता है, वो अर्जुन की तरह है, उसे केवल मछली की आँख दिखाई दे रही है, उसे डिस्ट्रैक्शन मैटर नहीं करते, उनके पास भी 1000 चीज़ें हैं। आपको अगर कि खुद सोचिए, आप क्या उस सैनिक की तरह बनना चाहेंगे जो बॉर्डर पर बैठकर मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर रहा होगा? अगर आपकी तरह वो भी एक रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर दे तो क्या होगा? ठीक है चलो भाई थोड़ी देर रील्स देख ले रहे हैं, दुश्मन की गोली आने दो, एक हाथ लगने दो, उसके बाद शुरू करेंगे।
तो आपको वो सीरियसनेस अपने अंदर लानी है, वो सीरियसनेस अपने अंदर उतारनी है। और जिस दिन जिस पल आप ये कर लेंगे तो आप सीरियस हो जाएंगे अपने एनडीए के लिए। और ये सवाल जो मैंने आपसे पूछे वो अपने से पूछिए कि आप सीरियस हैं या नहीं है। मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि अगर आप सीरियस हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी है। और अगर आपने मस्ती में आके फॉर्म भर दिया है तो चले जाओ यार, रहने दो, मत तैयारी करो, किसी और की तैयारी कर लो, कुछ और कर लो, क्योंकि शायद आप उसके लिए बने हो, इसके लिए नहीं हो। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी है। और साथ में इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा मोटिवेशन लगा होगा, मुझे लगता है ज़्यादा मोटिवेशन ही लगा हो, लेकिन ये सब मोटिवेशन फिर से रखा रह जाएगा अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है। तो चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम भी कराते हैं एनडीए की तैयारी, मैथ और साइंस के लेक्चर आपको यहाँ मिलते रहते हैं, साथ ही एनडीए की सारी जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद।